बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्का ऑटो क्लब से आपको शामिल कहेंगे। आज हमारा टॉपिक है जी रिवर्स लाइट ऑन कैसे होती है, सर्किट कैसे बनता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे हमने पीछे जो प्रैक्टिकल किए हैं उसमें पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट में अग्निशन स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बैटरी से डायरेक्ट करंट फ्यूज़ बॉक्स से होके सीधा जो है ना उन चीज़ों पे पहुंचती है जिधर उनको ज़रूरत होती है। तो इसके लिए रिवर्स लाइट के लिए जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो फिर रिवर्स गियर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी रिवर्स गियर लगाएंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। इससे उसको रिवर्स गियर की लाइट ऑन होने के लिए अग्निशन स्विच का ऑन होना ज़रूरी है। और ये चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह इसका सर्किट बनता है। सबसे पहले उसी तरह मेन वायर बैटरी से सीधा जो अग्निशन स्विच पर जो है ना ये इसकी सीधा करंट आएगी। अग्निशन स्विच पे एक मेन करंट आएगी अग्निशन स्विच पे। और जूं ही हम अग्निशन स्विच ऑन करेंगे इसमें तीन पॉइंट आते हैं, हाफ स्विच, अग्निशन स्विच और स्टार्टर। और जूं ही हम इसका अग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो अग्निशन स्विच ऑन करके सीधा जो अग्निशन स्विच की वायर होगी सीधा फ्यूज बॉक्स में आएगी। फ्यूज बॉक्स से होके ये सीधा जो है ना रिवर्स स्विच पे जो है ना ये सीधा एक करंट आ जाएगी। जो ही हम इसका ऑन करेंगे अग्निशन स्विच को और सीधा हमारी करंट अग्निशन स्विच पर रिवर्स गियर के स्विच पर करंट हमारी आ जाएगी जो ही हम अग्निशन स्विच ऑन करेंगे। और ये हमने समझे कि गाड़ी बंद कर दी, अग्निशन स्विच को ऑफ कर दिया तो हमारी करंट जो है उधर से गायब हो जाएगी। और जो ही हम अग्निशन स्विच ऑन करेंगे ये उस वक्त तक करंट उधर रहेगी जब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट है या अग्निशन स्विच हमारा ऑन है। तो जो ही वाया फ्यूज इधर करंट पहुंचेगी तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। जब हमें रिवर्स की लाइट की जरूरत पड़ेगी या रिवर्स गियर की जरूरत पड़ेगी तो ये स्विच सर्किट बना के आगे वायरिंग के थ्रू उसको पीछे करंट दे देगा। और इसमें जब हम अग्निशन स्विच ऑन करेंगे, ये अभी हम अग्निशन स्विच ऑफ करते हैं तो इधर से करंट गायब हो जाएगी। जो ही हम अग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो उधर करंट पहुंचेगी वाया फ्यूज। और देखते हैं कि फ्यूज भी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। और हम जो ही हम इसका फ्यूज चेक करते हैं, ये इसका फ्यूज है, ये अग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो इधर फ्यूज बॉक्स पर अग्निशन स्विच की करंट मिलेगी। इधर करंट आई, जिधर जिधर अग्निशन स्विच की करंट सप्लाई जानी है उधर इधर डिवाइड होके तो आगे उन चीजों पर पहुंच जाएगी। और ये फ्यूज उसमें उन्होंने लगाया हुआ है और वाया फ्यूज उधर करंट पहुंचेगी। तो जो ही करंट इधर आई तो ये ग्रिप पर पहुंचेगी और एक स्विच की एक साइड पर आपकी करंट जब तक अग्निशन स्विच ऑन है ये गाड़ी स्टार्ट है उधर तक पहुंचती रहेगी। और जो ही हम रिवर्स गियर को लगाएंगे तो ये स्विच अंदर गियर के एक पिन होगी जो रिवर्स गियर लगाने के साथ ये स्विच के पिन को दबाएगी और हमारा सर्किट बन के रिवर्स गियर लाइट जो हमारी वो ऑन हो जाएगी। इस तरह ये इसका सर्किट बनता है। और जो ही हम रिवर्स गियर को मैनुअल पे लेके आएंगे, न्यूट्रल पे लेकर आएंगे और हमारी लाइट जो ऑफ हो जाएगी और इस तरह लाइट हमारी बंद हो जाएगी। इसके थोड़े से मैं फॉल्ट अभी जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें मोस्टली जब रिवर्स गियर की लाइट आपकी लाइट ऑन नहीं हो रही तो सबसे पहले आपने फ्यूज चेक करना है, फिर आपने उसकी इस ग्रिप पर आना है और इधर करंट जैसे ये मैंने हम चेक कर रहे हैं इस तरह आपने करंट इसको चेक करनी है कि इधर करंट आ रही है कि नहीं आ रही। अगर इधर करंट आ रही है तो ये आप ग्रिप को उतारेंगे और ये जो दो वायर हैं इनको आपस में ज्वाइंट करेंगे।
ये दो वायर को आपस में ज्वाइंट करेंगे, और अगर आपकी लाइट बैक लाइट जो रिवर्स लाइट है वो ऑन हो रही है तो फिर समझे कि आपका स्विच खराब है। अगर रिवर्स गियर लगा के इन दोनों पे करंट आ रही है तो फिर आप पीछे जाके रिवर्स गियर की लाइट जो वो खोलेंगे, उधर करंट चेक करेंगे, और फिर उधर भी करंट आ रही है तो आप उसका बल्ब और होल्डर चेक करके आप उसको वाइंड अप करेंगे। अगर उधर करंट नहीं आ रही तो इधर करंट आ रही है तो फिर आप इसकी अंदर से वायरिंग चेक कर लेंगे। ये आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है। मज़ीद अगर इसमें हम मज़ीद इसके फार्ट में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें।